तरन तारण के खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं क्लास के स्टूडेंट को टीचर द्वारा लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। परिवार ने आरोपी मास्टर के खिलाफ थाना सिटी पुलिस को शिकायत कर दी है। दूसरी तरफ स्कूल के मास्टर ने माना कि उससे गलती हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है। वहीं इस स्कूल के छात्रों का आरोप है कि उक्त टीचर सिर्फ छड़ी से ही नहीं मारता बल्कि प्रकार चुभोकर भी सजा देता था। हैरानी की बात ये है कि पूरे स्कूल में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यही ना मेरे दीदी मैरिज है, 4-5 दिन हो गए मैं स्कूल नहीं आया। तो मैं कल स्कूल ले गया थे, सर प्रेल होंगी प्रेल ची गए नहीं आ, तो उपर फिर कुड़िया भेजिया सर ने, तो मैं ठीक नहीं मैं जाना नहीं आ। जो प्रेयर प्रूल हुई सर आप आए तो लोहे की राड फड़ी उन्होंने, तो उन्होंने मैंने उत्तो वाहवा कुटिया सारी क्लास सामने, तो फिर थले घड़ीस के थले लैके आए मैनू। तो फिर इन्होंने झूठे ना लाने कि बाथरूम से आ गए टीके लाने दे ही, तो उपर लालच भी दिता इन्होंने कोई नहीं तेनों अं पेपर पास कर देंगे, तो ये साढ़े प्रकार भी मारते होंगे बाथरूम च, कोई बाथरूम तो है नहीं, अं 4-5 जने क्लास बैठे पूरी क्लास में पुल लो भावे क्लास आ गए मेरा भावे हमें ही। Unfortunate, and we are really sorry about it. In future, I think this will never be repeated. And it was not having any malicious in our hearts doing this all. And we'll take good care. And we are sitting with the parents of the children, and everything will be sorted out. It's around 500. Yeah, we are taking. The management has taken a disciplinary action, and in future also we'll look after it well. Collect. अमरजीत कुमार नाम नाम का व्यक्ति आया सी अपने बच्चे नूं लैके, उन्हें लिखती शिकायत की है कि मेरे बेटे नूं पीरियड दे विच लेट आउण ते जिहड़े डीपी है हरदेव सिंह ने कुटमार की है, और कुटमार होर भी बच्चों की दस रहे सी होई है। उहदे विच खालसा स्कूल के जिहड़े डीपी उहनूं कॉल की गई, प्रिंसीपल नाल भी गल की गई है, वो इत्थे आ के अपना करनगे। ते बच्चे दे जिहड़ी सट लगी हुई है वो असीं इत्थे देखी सीगी, उसके शायद माइनर जहाँ कोई फ्रैक्चर हो गए, फिर एक्सरे रिपोर्ट हजे तक नहीं आएगी। जो भी उन्होंने फर्दर कार्रवाई होगी उन्होंने अमल च लिया जाऊगा, कानून अनुसार प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी।